सो गाइज हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एंड आप लोग में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है कि यार डिक्स भाई जब भी हम लोग पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर बनाने जाते हैं तो हमारे पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर ब्लैक ब्लैक आ जाता है एंड आप जैसे ब्लैक करते हो फोटो एंड आपका वाइट फोटो रहता है आपका इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हो जाता है एंड हम लोग अपने फोटो को ब्लैक करके स्क्रीन रिकॉर्डर करते हैं तो और ही ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। सो भाई लोग आज की वीडियो आप लोग बताने वाले हैं जो ब्लैक ब्लैक आता है पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर उसको आप लोग कैसे ठीक कर पाएंगे एंड आप लोग ना अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो कैसे वायरल कर पाएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए कितना ज़्यादा मैं डार्क ब्लैक टोन किया हूँ, ठीक है, फोटो कितना बेकार बनाया हूँ। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक फटाफट लाइक कर दीजिएगा एंड आज का वीडियो अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग का ना कभी भी ना जिंदगी में भी पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर ब्लैक आने का कोई चांस नहीं है। तो चलिए जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो गाइस यही हम लोग का पिकशॉट एप्लीकेशन है एंड आप लोग के ना फोन के अंदर प्यारा सा पिकशॉट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है, आप लोग रखे होंगे, ठीक है, ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों जैसे आप लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे अलाउ करना होता है, नो थैंक्स पे क्लिक कर देते हैं एंड सिंपली आप लोग ये वाला फोटो सेलेक्ट कर लेते होंगे एंड सिंपली लोग स्क्रॉल करके आ जाते होंगे एड फोटो पे, ठीक है। एड फोटो पे आने बाद सिंपली ये वाला फोटो देखिए हम कितना ज़्यादा ब्लैक टोन किए हैं, ठीक है, डार्क ब्लैक किया ताकि हमारा वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हो। एंड एक और फोटो है जो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, वो अभी फोटो नॉर्मल है, जैसे कि आप देख लीजिए ये वाला नॉर्मल में फोटो है एंड ये वाला बहुत ज़्यादा ब्लैक है। जैसे कि आप देख लीजिए ये वाला फोटो बहुत ज़्यादा ब्लैक है एंड ये वाला फोटो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको आप लोग इधर कर देंगे एंड इसको आप लोग लगाएंगे ना तो आप लोग का इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल नहीं हो जाएगा। एंड सबसे पहले मैं आप लोग को बड़ी बात बता दूँ, जो आप लोग पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर बनाते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं तो ब्लैक ब्लैक आ जाता है, तो भाई 1% में ना ब्लैक आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। ऐसा आप लोग को मैं बेस्ट एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, ट्रिक बताने वाला हूँ। ऐसे आप लोग बनाते होंगे, रिकॉर्डिंग पे चले जाते होंगे, इरेजर पे क्लिक कर देते होंगे एंड कुछ इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर देते होंगे तो आप लोग के पिक्सल एप्लीकेशन के अंदर ब्लैक आ जाता होगा। तो मैं इसको आज की वीडियो में आप लोग को ठीक करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है मेरी जान। हाँ तो गाइस अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम यूजर हैं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं गेन हो रहा है तो सबसे पहले आप लोग को वीडियो वायरल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग इस फोटो को शेयर कर लेते हैं स्नैपचैट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंड इसको हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा ब्लैक करेंगे ताकि अगले भाई के पास वीडियो जाए तो हम लोग का वीडियो कुछ अट्रैक्टिव लगे, खतरनाक लगे, ताकि देखे ना भाई वो बोले कि हाँ भाई कितना ज़्यादा ब्लैक है एंड उसके बाद कितना ज़्यादा व्हाइट हो गया, तो भाई वो तो भाई आपको ज़रूर फॉलो लाइक करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाएंगे एंड HDR इसके पे क्लिक कर लेते हैं एंड इसका सेचुरेशन ना हल्का सा आप लोग माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, प्लस कर देना होगा सॉरी, एंड ब्राइटनेस को हल्का सा कम कर लेते हैं तो 48 आप लोग अपने फोटो के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं 41 कर दे रहा हूँ एंड यहाँ से हम लोग डन कर देंगे, ठीक है। डन करना फिर से हम लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाएंगे एंड डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं एंड स्ट्रक्चर को 100 कर देते हैं एंड शार्पनिंग को भी 100 कर देते हैं एंड यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। आप लोग खुद ही देख लीजिए, फिर से आप लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाएगा, ट्यून वेज पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से सेचुरेशन को हल्का सा माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, एंड यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। आप लोग देख लीजिए कितना ज़्यादा हम लोग का फोटो बेकार बन चुका है बिफोर एंड आफ्टर। तो चले जाना अभी आप लोग को बताते हैं पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर आप लोग ब्लैक ब्लैक आ जाता होगा तो एक और एप्लीकेशन से आप लोग बनाएंगे तो ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा। हाँ तो जान सबसे पहले आप लोग ना एडिटिंग वाला फोटो शेयर कर लीजिएगा ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। मैं आप लोग को न्यू ट्रिक बताने वाला हूँ, सिंपली आप लोग शेयर करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस प्यारा प्यारा सा आ जाएगा, तो सिंपली हम लोग इसको कट कर देंगे, ठीक है। एंड शेयर हो जाने के बाद सिंपली देखिए पेंसिल बगल में एक आइकन होगा, ठीक है, आइकन, फिर से आप लोग इस वाले आइकन पर आ जाइएगा, फिर से आप लोग इम्पोर्ट इमेज पर क्लिक कर देना होगा, फिर से आप लोग गैलरी पर आ जाइएगा। सो दोस्तों गैलरी वाले ऑप्शन पे आने में सिंपली आप लोग को देखिए ये जो ब्लैक हम लोग फोटो किए हैं ब्लैक वाले फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग का फोटो ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर एंड यहाँ से आप लोग को डन कर लेना है, ठीक है। डन करना फिर से आप लोग पेंसिल आइकन पर आ जाइएगा एंड आप लोग को ये वाला ब्रश यूज करना है, ठीक है, ट्रेडिशनल 1 2 3 4 5 6 छठवां नंबर ब्रश आप लोग को यूज करना होगा। अगर आप लोग मुझे अभी तक फॉलो नहीं किए होंगे इंस्टाग्राम पे तो जाकर के फॉलो कर लीजिएगा RDX Editor 20। 3,37,000 कंप्लीट हो चुका है एंड आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से बहुत ही जल्द हम लोग यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन करने वाले हैं एंड इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी 1 मिलियन करने वाले हैं, सपोर्ट टू सपोर्ट, ठीक है मेरी जान, एंड जय हो सिद्धवा। तो सिंपली कुछ इस तरीके से आप लोग इसका साइज बड़ा घटा लीजिएगा, ठीक है, आप लोग फॉलो करने रखिएगा एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा एंड कुछ इस तरीके से ना आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करके, ठीक है, और आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर बनाइएगा तभी आप लोग का फोटो वाला वीडियो बन करके तैयार हो जाएगा इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करने के लिए। आशा करते हैं मेरी जान वीडियो से लाइक कर दीजिएगा एंड आप लोग मुझको सपोर्ट करेंगे तो आर्टिस्ट भी आप लोग को इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करेगा एंड लाइव हम आते रहते हैं हमेशा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर देंगे एंड प्रमोशन अब मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप लोग यहीं से आप लोग अच्छे से वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पर अपलोड कीजिएगा। आशा करते हैं मेरी जान वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं एडिट रिलेटेड से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पूरा वीडियो आज करने के लिए थैंक यू सो मच।